हैं इस पहले टॉपिक्स की तरफ, यानी कि अब तक तो हमने देख लिया कि पहले हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मोबिलिटी की होती है, यानी कि हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की माइग्रेशन या कैपिटल की फ्लाइट्स की होती हम देख चुके हैं, और उससे क्या फ़र्क पड़ा होता है ये भी देख चुके हैं। अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। और फिर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज़ फॉर अ कंट्री, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर अ कंट्री नाम से हमें तकरीबन ज़ाहिर हो जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि पेमेंट्स का बैलेंस, ठीक है। यानी कि कंट्री में अगर हम लोग देखें तो सिर्फ पेमेंट्स की नहीं जा रही है, ठीक है, दे आर नॉट जस्ट पेमेंट्स बट ऑल्सो रिसीट्स, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बोलते हैं फॉर अ कंट्री देयर आर पेमेंट्स टू मेक एंड रिसीट्स टू रिसीव, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है यानी कि बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे अब लेकर आ जाएगा, यानी कि हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाएंगे, यानी कि वो ज़रिए जिसके थ्रू हम लोग पैसे पे भी कर रहा होता है और उन्हीं चीज़ों के थ्रू हमें पैसे रिसीव भी कर रहा होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझाने से पहले मैं आगे थोड़ा सा लेके जाऊंगी, और पहले आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की छोटी सी बेसिक चीज़ समझाऊंगी। है तो वो अकाउंटिंग से रिलेटेड मगर हम आगे तो लेके चलेंगे। तो वर्ड इज़ नोन एज डेबिट एंड क्रेडिट, जिन लोगों ने अकाउंटिंग से वाकई है तो भी उनको काफ़ी अच्छे तरीके से ये चीज़ें आ रही है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं उन अकाउंटिंग वालों को ये नहीं कहूँगी कि उनके रूल्स गलत हैं, बस ये कहूँगी कि फॉर दिस स्पेसिफिक टॉपिक आपके रूल्स को थोड़ा सा मैं वॉयलेट करूँ। सो बेसिकली जो क्रेडिट आइटम्स है ना वो पॉजिटिव साइन के साथ, यानी कि हम जब कोई चीज़ अपने रिसीव में डालेंगे, यानी कि वो चीज़ें जिसकी हमें पेमेंट मिलनी है वो कहाँ आ जाएंगे, यानी कि फॉरेनर्स के पास से पेमेंट आनी है, हमारे एक्सपोर्ट्स की पेमेंट आनी है, वो क्रेडिट में नहीं होगा, ठीक है। वेयर एज डेबिट फिर क्या होगा, वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अच्छा एक चीज़ मैं वाजे कर दूँ, अकाउंटिंग के रूल्स अपने होते हैं कि वो एसेट है, एक्सपेंडिचर्स हैं, कैपिटल होता है, ठीक है, रेवेन्यू है, ठीक है, और इक्विटी होती है, ठीक है ना। रेवेन्यू इक्विटी पांच होते हैं, मुझे पूरे नाम याद आ रहे। तो उनके जो रूल्स होते हैं ना कि जब वो पॉजिटिव होगा तो डेबिट होगा, नेगेटिव होगा तो क्रेडिट होगा, एक्सपेंडिचर्स भी सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा इक्विटी नहीं था, इक्विटी एक्सपेंडिचर्स और अकाउंट पेएबल होता है, लोन्स होते हैं, डेब्ट्स होते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर्स का भी यही रूल होता था, डेबिट है ये क्रेडिट है, कैपिटल का रूल जो है वो मुख्तलिफ होता था, जब वो नेगेटिव होता था तो वो डेबिट होता था, जब पॉजिटिव होता था तो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये जो रूल्स हैं ना ये अकाउंटिंग के, ठीक है, बट यहाँ पर हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख रहे हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम इस अंदाज में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग के रूल्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मगर फॉर दिस स्पेसिफिक टॉपिक जो यहाँ पे हम कर रहे हैं उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है इस चीज़ को याद रखें। तो ये जो मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट, इसके अलावा डेबिट और क्रेडिट का वही रोल है जो कि अकाउंटिंग के अंदर होता है, सिर्फ और सिर्फ दो कॉलम्स, दैट्स इट, से दो कॉलम्स हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रेडिट पॉजिटिव है और डेबिट नेगेटिव है। अकाउंटिंग के अंदर चूँकि वो पांच डिफरेंट हेड्स होता है तो फाइव डिफरेंट हेड्स के उनके अपने अपने रूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वैसे नहीं समझ, तो उससे पहले मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की तफसीलात आपको समझाऊँ, मैं आपको एक और चीज़ से वाकफियत करा देती हूँ, वो होती है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजिशंस, ठीक है। ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, ठीक है। तो फिर कोई समझ लो उसकी बिल्कुल देख लेते, इंटरनेशनल
पोजीशन, नाम से जाहिर है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की पोजीशन, इन्वेस्टमेंट की पोजीशन यानी कि या तो लैंडर होगा या वो सेवर हो, यानी लैंडर होगा या बोरोअर होगा, ठीक है। तो अब ये इन्वेस्टमेंट पोजीशन आखिर कहती क्या है, ठीक है। अच्छा, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन इज बेसिकली अ स्टेटमेंट, ठीक है, ऑफ स्टॉक्स ऑफ अ नेशन, इंटरनेशनल एसेट्स एंड फॉरेन लायबिलिटीज एट अ पॉइंट इन टाइम, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ समझ आ जा आ गया होगा, मेरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। तो स्टेटमेंट है जिसमें स्टॉक्स एक इंटरनेशन के जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और ये बताया जाता है कि वो एक लायबिलिटी दे रहा है कि ले रहा है, अगर शॉर्ट। तो अगर ऐसा हो कि आपका अगर देखा जाए कि कोई इकोनॉमी जो है उसके सर पे ज़्यादा लोन है या जो उसके स्टॉक्स, मैं उसको समझाती हूँ सही तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान के पास, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है, कंट्री में डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ के स्टॉक्स हैं, इस चीज़ को पहले समझ लीजिएगा फिर लिख लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं होता, ठीक है। आप वीडियो आराम से पॉज भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। सो पाकिस्तान कंट्री में जो है वो डिफरेंट फॉरेन करेंसीज़ के कंट्रीज़ के जो है वो स्टॉक्स मिलते हैं। अब कोई भी फंड की बात करें तो स्टॉक्स के बारे क्यों आती है, स्टॉक्स कहाँ बात है, जब पैसों की ज़रूरत है, यानी कि मैंने स्टॉक्स दिए और पैसे लिए, ठीक। तो मैंने जिनको स्टॉक, जिनको मैंने पैसे दिए उनके मैंने स्टॉक्स ले लिए। तो जब मैं डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ के स्टॉक्स मेरे पास मौजूद होंगे तो इसका मतलब क्या है, मैं उनको लैंड करें, इसका मतलब पाकिस्तान इज अ नेट लैंडर, ठीक। यही अगर ऐसा होता है, मामला रिवर्स होता कि पाकिस्तान के स्टॉक्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के पास होते हैं, तो मामला होता यानी कि मेरे स्टॉक्स थे, मैंने दूसरे फर्म्स को दिए, क्यों दिए होंगे, ताकि मुझे इन्वेस्टमेंट मिल सके। अब मुझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ गई, यानी कि उनसे मैंने उधार लिया, तो आई विल बी अ नेट बोरोअर, ठीक है। तो इन दिस केस पाकिस्तान इज अ नेट बोरोअर। मैं किसी और कंट्री का नाम लेती हूँ, लोगों की फीलिंग्स हर्ट, बस इस वजह से मैं पाकिस्तान पे रखती जो अपन एक्सप्लेन कर लेती हूँ। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि ये बोरोअर और लेंडर और ये नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन है क्या चीज़, ठीक। अब हम आगे चलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ, बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या चीज़, उसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है।